बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है एमसीक्यू का, वो यकीन करें कि ऐसा एमसीक्यू है कि जिसमें एफ ए टू का बिल्कुल कंसेप्ट और एफ ए टू की बुक में भी ये कंसेप्ट गिवन है। और अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स जब ये पूछते हैं कि सर वो थ्रेटिकल एरिया, वो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, क्या वो एग्जामिनर पूछता है, तो ये हर दूसरे अटेम्प्ट में दो से तीन इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं कि एक दफ़ा बंदा यकीन नहीं कर पाता कि क्या ये एफआर का सवाल है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि इतनी आसानियां होती हैं कि वो मुश्किल बन जाती हैं, क्योंकि हमने आसान चीज़ें भी छोड़ के जा रहे होते हैं। तो याद रखें कि हमेशा जो भी आप पेपर दे रहे हैं, एफआर दे रहे हैं या कोई और पेपर दे रहे हैं, तो आप फेल आसान चीज़ों, मुश्किल चीज़ों को गलत करके फेल नहीं होते। आसान चीज़ें जब आपसे नहीं हो रही होती, जब हर कोई जो कर सकता है वो आपसे नहीं हो रहा, आप डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर सक रहे, आपने बिल्कुल सिंपल एक कैलकुलेशन नहीं की जो सब ने कर ली थी, तो इसका मतलब अब आप डिज़र्व नहीं करते पास करना। तो आसान चीज़ों को कभी भी ना छोड़ा करें। और ACCA में तो वैसे भी जिस तरह एडवाइस की जाती है कि सेलेक्टिव स्टडी ना किया करें। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सवाल है। तो क्या सवाल है? कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आ गया। इवन मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरह एसेट्स और लायबिलिटी की डेफिनेशन भी एग्जामिनर ने पार्ट बनाई अपने एग्जाम का। तो देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाट आर द इनहांसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कहता है इनहेंसिंग क्वालिटीज क्या होती हैं। हमें पता है दो फंडामेंटल होती हैं, रेलेवेंस एंड फेथफुल। और यकीन कर लें कि अभी जो अटेम्प्ट गई है, जून अटेम्प्ट और इससे पहले भी एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ये पूछा कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की आगे तीन क्वालिटीज क्या हैं जो फ्री फ्रॉम एरर, न्यूट्रल और कंप्लीट होता है। तो अब देखें इस सवाल में क्या कह रहा है कि चार इन्हेंसिंग क्वालिटीज कौन सी हैं। नंबर वन पढ़ते हैं, कहता है वेरीफाइबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, प्रूडेंस एंड न्यूट्रल। तो प्रूडेंस कंसेप्ट है, वो क्वालिटी नहीं है। इसी तरह टाइमलीनेस, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड सब्सटेंस ऑफ फॉर्म। इस अटेम्प्ट में जो भी गुजरी अटेम्प्ट है, इसमें मैंने ये मॉक में बच्चों से क्वेश्चन जब लिए, तो एक बच्चे ने ये सवाल भी गलत किया हुआ था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये सवाल कितने, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पास करने के लिए और पास करने के बाद आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको एफ ए टू। और क्या कहते हैं, मटेरियलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मेजरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो चार इन्हेंसिंग क्वालिटीज़ कौन सी हैं? कंपेरेबल हो, वेरीफाइबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो एंड टाइमली हो। तो ये चार क्वालिटीज हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से आपको ये जरूर पता चला होगा कि ये छोटे छोटे कंसेप्ट भी रियल एग्जाम में कितने, ये 48 को 50 बनाने के लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।